का ट्रांजिशन प्रॉपर्टी आ वो बेसिकली रेसिप्रोकल ऑफ द लाइफ टाइम आ। तो यहाँ पे अगर आप ये देखें कि ट्रांजिशन प्रॉबेबिलिटी को अगर हम कह देते हैं कि इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ द लाइफ टाइम, सो एज अ रिजल्टेंट आपको पता है कि किसी भी लेवल का जो लाइफ टाइम होता है वो 10^-8, -7, -6 इस रेंज में होता है सेकंड्स में। अब इसका अगर आप इनवर्स ले लें, रेसिप्रोकल ले लें, तो उसको कहते हैं ट्रांजिशन प्रॉबेबिलिटी, मीन्स इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिट होने की प्रॉबेबिलिटी कितनी है और वो रेसिप्रोकल ऑफ द लाइफ टाइम है। दूसरी चीज आ जाती है कि हर लेवल की एक क्वांटम वेट होता है, क्वांटम वेट कहते हैं स्टेटिस्टिकल वेट को, वो भी एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक कांस्टेंट है जो बराबर है 2J+1। अब J जो है टोटल एंगुलर मोमेंटम है, आपको पता है कि J जो बराबर है वो है L+-S, मींस इट इज द सम ऑफ द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड इंट्रेंसिक या स्पिन एंगुलर मोमेंटम, तो इन दोनों का सम अप जो है वो टोटल एंगुलर मोमेंटम जे होता है। और जो आपके पास जो मैंने आपको बताया कि इसकी जो स्टेटिस्टिकल वेट है जिसको आप जी कह देते हैं वो बराबर होता है 2J+1। सो एज अ रिजल्टेंट जो इस दिस इज वन ऑफ द स्पेक्ट्रोस्कोपिक कांस्टेंट ऑफ द लेवल। तो ये इस लेवल का डिफरेंट होता है और ये टोटली डिपेंड करता है इसके टर्म वैल्यूज पे। तो यहाँ पे अगर आप ये देखें कि ये टोटली अगर हम कह देते हैं इसके टर्म वैल्यूज पे डिपेंड करता है, तीसरी चॉइस होती है कि इस लेवल की एनर्जी डिफरेंट है, इस लेवल की एनर्जी डिफरेंट है, इस लेवल की एनर्जी डिफरेंट है। तो जो पॉपुलेशन की ट्रांजिशन होती है, पॉपुलेशन की प्रोबेबिलिटी होती है, वो लेवल के एनर्जी पे भी डिपेंड करती है। जितनी हायर लेवल की एनर्जी होगी उतनी उसकी पॉपुलेशन की प्रोबेबिलिटी होगी वो कम होगी, क्योंकि पहले लोअर लेवल पॉपुलेट होते हैं देन हायर लेवल पॉपुलेट होते हैं। और आपको पता है कि ये सारी चीजें फिर टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती हैं। तो इन जनरल हमने डिस्कस किया कि ये सारी की सारी चीजें जो है वो स्टेटिस्टिकल बिहेवियर है कि हाउ मेनी एटम्स आर पॉपुलेटेड इन दिस लेवल, हाउ मेनी एटम्स आर पॉपुलेटेड इन दिस लेवल, हाउ मेनी लेवल्स आर पॉपुलेटेड इन दिस लेवल, ये सारा का सारा जो है वो स्टेटिस्टिकल बिहेवियर है। अब फर्ज कर ले यहाँ पे मैं कह देता हूँ 100 एटम्स हैं जिनके इलेक्ट्रॉन n=1 पे एक्साइट हुए हैं, ठीक है जी, और 200 वैसे एटम्स हैं जिनके इलेक्ट्रॉन n=2 पे एक्साइट हुए हैं, ठीक है जी। तो जब ये अपना लाइफ टाइम और ये अपना लाइफ टाइम गुजारने के बाद जब डी एक्साइट होंगे तो यहां से 200 वाले के जो फोटोन होंगे वो 200 होंगे और 100 वाले के जो फोटोन होंगे वो 100 होंगे। तो इसका मतलब है कि 200 वाले की जो इंटेंसिटी है लाइन की, जिसको हम कहते हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स जो इमिट आउट हुए पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, वो डबल होंगे इसके मुकाबले में। तो दिस इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांजिशन लाइन। तो कल हमने यही चीजें डिस्कस भी की थी कि व्हाट इज द इंटेंसिटी, इंटेंसिटी क्या होती है और ये इंटेंसिटी किन चीजों पे डिपेंड करती है, जिसको हमने कहा था इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांजिशन लाइन। अब यहाँ पे मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, तो अगर आप ये देखें कि एक मिनट सिर्फ इंतजार करें, ये ओपन हो रहा है फाइल।